चलो बताओ। सबसे पहले जो हमारा सिटी का गंदा पानी होगा वो स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा जोर से। सबसे पहले जो हमारा सिटी का गंदा पानी होगा वह स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे जो प्लास्टिक होगा उसे अलग करके प्लास्टिक की फैक्ट्री में डाल के सांचे में डाल के उसे अलग अलग शेप किए कुछ उसको बना कर उसे इस्तेमाल में लाएंगे और यहाँ से जो गंदा पानी होगा उसे हम फिल्ट्रेशन चैम्बर में भेज देंगे। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन चैम्बर में हमने 3 लेयर लगाई है, कॉटन और ऑयल की और सेकेंड है सैंड की और थर्ड है बिग सैंड की। और यहाँ पे जो पानी जाएगा यहाँ पे इनमें पानी को शुद्ध करने की क्षमता होती है, ये यहाँ पे जो पानी होगा वह साफ होके हमारा फिल्टर चैम्बर में आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पानी तो साफ हो जाएगा पर इसमें अभी कुछ बैक्टीरिया होंगे, हमें उनको जैविक तरीकों से मारना है। इसलिए हमने चीड़ की लकड़ी और चीड़ की सुई नुमा पत्तियों को इसमें डाला है इनमें, क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होती है जो कि कीटाणु को आगे जाने से रोकती है। और अगर यहाँ से कुछ कीटाणु बच जाएंगे तो वह अगले चैम्बर में जाके मोरिंगा ट्री के सीड्स में जाके यह भी हमारे पानी को शुद्ध करने में हमारी मदद करती है जिससे कि कीटाणु यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से जो पानी होगा वो हमारा साफ होकर डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में जाएगा, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट सप्लाई होगा वह हमारा विलेज को जाएगा और जरूरत के हिसाब से विलेज की जो सारी नीड्स होगी अगर वहाँ से पानी जो बच जाएगा उसे हमने फार्म में डाल देना है ताकि पेड़ पौधे जो है पानी ले सके, और वहाँ से जो पानी हमारा बच जाएगा उसे हमने जंगल में डाल देना है ताकि जो पेड़ पौधे वह भी पानी ले सके और जो जंगली जानवर है वो भी पानी पी सके। और वहाँ से जो पानी होगा उसे हमने रिवर में भेज देना है, वहाँ से वह पानी में चक्रित होकर वापस बर्षा के रूप में जाना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार कौन सा स्कूल है? हिंदी।